जो राजा विश्व विजय के लिए घर से बाहर निकलता है वो भारत जैसे देश का सपना भी मन में रखता है। यदि ऐसा हुआ तो भारतवर्ष अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा? एक ही मार्ग है, अखंड भारत। अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत बनकर ही सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हम। आचार्य चाणक्य को सपने देखने का बड़ा शौक है। आचार्य सुखदेव, गुरुदेव क्षमा चाहता हूं। 18-20 जनपदों में बटे भारत में अखंड भारत देखना दिन में सपने देखने जैसा नहीं है तो और क्या है गुरुदेव? इतिहास वही बदलते हैं जो दिन में सपने देखते हैं। चाणक्य, मैं आचार्य सुखदेव के इस व्यंग को अनुचित मानते हुए भी तुम्हारे स्वप्न को क्या कहूं वत्स? असंभव विचार या अव्यवहारिक सोच? गुरुदेव, अखंड भारत कोई अव्यवहारिक विचार नहीं है। यह ना सिर्फ सिकंदर के संभावित खतरे का उत्तर है बल्कि यही एकता भारत के उन्नत भविष्य का मार्ग भी है। लेकिन इसके लिए किसी को मगध जाकर मगध नरेश को समझाना पड़ेगा। किसी को क्यों गुरुदेव, काम शिक्षक का है तो शिक्षक ही करेगा। ये हम तक्षशिला के शिक्षक हैं, मात्र छात्रों को पढ़ाना हमारा काम नहीं है। अवसर आए तो राजाओं को भी पाठ पढ़ा सकते हैं। मेरे विचार से एक कार्य तुम्हीं को करना चाहिए। हाँ हाँ चाणक्य, तुम अभी चल पड़ो मगध के लिए, क्योंकि यदि तुम अभी शुरू करोगे तो वहां वसंत उत्सव में पहुंच सकते हो। मतलब राग रंग, नाच गाना, सुरा सुंदरी, मतलब वसंत ही वसंत। यदि गुरुदेव आपको वहां भेज रहे हैं तो इनका भी लाभ उठा लीजिए राष्ट्रहित के साथ साथ, है ना गुरुदेव? जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसे ही विचार।